हेलो स्टूडेंट, मैं पवन सैनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेद आईटीआई अकबरपुर पे, जहां आपको मिलेंगे सभी टेक्निकल रिलेटेड कंपटीशन एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है सिंक्रोनस मोटर, तुल्यकाली जो मोटर होती है। पिछले जो क्लास थी उसमें हमने वीडियो बनाया था, उसमें इसके मोटे मोटे तौर पर तुल्यकाली मोटर के कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे तुल्यकाली मोटर से संबंधित कुछ विशेष क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है वो है, तुल्यकाली मोटर की गति निर्भर करती है। मीन्स सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड है, जो गति है, वो किस पे डिपेंड करती है, किस पे निर्भर करती है। ऑप्शन अपने पास दिए हुए हैं, सप्लाई आवृत्ति पर, ध्रुवों की संख्या पर, रोटर प्रतिरोध पर, या ए और बी दोनों, मतलब सप्लाई आवृत्ति और ध्रुवों की संख्या। तो देखिए, देखते हैं, हमने पढ़ा था कि सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड होती है ns, उसका हमने सूत्र पढ़ा था, ये होती है 120 F/P, जहाँ F जो है वो है फ्रीक्वेंसी और P है पोलों की संख्या, और ns है तुल्यकाली मोटर की सिंक्रोनस स्पीड। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है सिंक्रोनस जो स्पीड है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे और पोलों की संख्या पे। तो ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर अपने क्या हो जाएंगे, सप्लाई आवृत्ति पर माने फ्रीक्वेंसी पर, और ध्रुवों की संख्या माने पोलों की संख्या, ये दोनों इसके आंसर होंगे। तो अपना जो आंसर है वो हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकाली मोटर में न्यूनतम आर्मेचर धारा किस शक्ति गुणांक पर होती है। न्यूनतम आर्मेचर धारा किस शक्ति गुणक पे होती है, तो इसके लिए हमने सिंक्रोनस मोटर में एक वी करो बताया था। क्या बताया था, वी करो बताया था। वी करो में हमने क्या बताया था कि एक्स के मान जहाँ पे होते हैं, यहाँ अगर हम एक्साइटेशन करंट लेते हैं, और वाई के मान जहाँ पे होते हैं वहाँ अगर हम आर्मेचर करंट लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनता है वो कुछ वी शेप में बनता है, इस तरह से बनता है। इसमें हमने बताया था कि यहाँ पे जब आर्मेचर करंट की जो वैल्यू है वो न्यूनतम होगी, सबसे कम वैल्यू होगी, उस समय में जो पावर फैक्टर है PF जो है वो इकाई होता था, यूनिटी होता था। दूसरी बात हमने ये बताई थी कि एक्साइटेशन जो करंट है उसकी वैल्यू अगर कम रहेगी, एक्साइटेशन वैल्यू की अगर कम रहेगी तो आर्मेचर करंट तो अधिक रहेगा, लेकिन जो पावर फैक्टर है, जो PF है, पावर फैक्टर है, वो लैग रहेगा, लैगिंग में रहेगा, इस तरफ, इस वाले रीजन में पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग रहेगा। जबकि जैसे ही एक्साइटेशन करंट को और अधिक बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर लीडिंग में आ जाता है, इस तरफ जो है वो पावर फैक्टर लीडिंग में रहेगा। और क्वेश्चंस पे हम देखते हैं, तो क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर धारा न्यूनतम कब होती है। तो यहीं से हम देख सकते हैं, इस वी कर्व में अगर ये आर्मेचर करंट है, ये एक्साइटेशन करंट है, तो यहाँ पे हमने देखा है कि जब यूनिटी पावर फैक्टर होता है, जब इकाई पावर फैक्टर होता है, उस समय में जो आर्मेचर करंट है उसकी वैल्यू न्यूनतम होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास इकाई पावर फैक्टर। क्या आ जाएगा, इकाई पावर फैक्टर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तुल्यकाली मोटर में निरंतर भार परिवर्तन से रोटर में दोलन उत्पन्न होना क्या कहलाता है। तुल्यकाली मोटर में माने सिंक्रोनस मोटर में निरंतर मतलब लगातार भार परिवर्तन मतलब लोड के परिवर्तन से रोटर में दोलन उत्पन्न होना मतलब एक तरह से कंपन उत्पन्न होना क्या कहलाता है। ये हमने कई बार बताया था, ये जो होता है ये हंटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, हंटिंग। और इस दोष को दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस दोष को दूर कर डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग अपन करते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तुल्यकाली मोटर की क्षेत्र कुंडली लघुपथित कर
मोटर को थ्री फेज सप्लाई देने पर क्या होगा? क्षेत्र कुंडली का मतलब क्या है कि एक्साइटेशन जो करंट है वो अगर हमने लघुपथित कर दिया, अभी हमें पता है कि सिंक्रोनस जो मोटर है उसमें दो प्रकार की सप्लाई दी जाती है, एक एसी सप्लाई और दूसरी डीसी सप्लाई। एसी सप्लाई जहाँ दी जाएगी वो मेन सप्लाई होगी, डीसी सप्लाई जो होती है वो एक्साइटेशन करंट होता है, उत्तेजन धारा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देख रहे हैं हम मोटर में कि एक तुल्यकालिक मोटर की क्षेत्र कुंडली को लघुपथित कर दिया, मतलब जहाँ पे एक्साइटेशन करंट हमें देना था उसको अगर शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, मतलब रोटर को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया और स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई दे रहे स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं तो क्या होगा? अब हमने देखा है जिस तरह से थ्री फेज इंडक्शन मोटरें होती हैं, इंडक्शन मोटर में क्या होता है, रोटर जो होता है उसकी चालकों से बना होता है, शॉर्ट सर्किट आगे रिंग डाली जाती हैं, शॉर्ट सर्किट चालक डाले जाते हैं और स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई दी जाती है। अब सेम प्रोसेस यहीं पे भी वही होगा कि अगर रोटर जो है क्षेत्र कुंडली को लघुपतित कर दिया, माने रोटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया और जो स्टेटर है उसको थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं तो क्या होगा, मोटर अपनी क्या बन जाएगी, मोटर बन जाएगी अपनी इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो इस समय में क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा सी, इंडक्शन मोटर की तरह चलेगी। क्या आंसर आएगा, इंडक्शन मोटर की तरह से चलेगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तुल्यकालिक मोटर में क्षेत्र उत्तेजना बढ़ाने से, सिंक्रोनस जो मोटर होती है उसमें क्षेत्र उत्तेजना बढ़ाने से क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन है शक्ति गुणक में सुधार होता है, बी ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं होता, सी ऑप्शन है शक्ति गुणक निम्न होता है या डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सिंक्रोनस जो मोटर होती है उसमें एक्साइटेशन करंट और आर्मेचर करंट, इन दोनों के बीच में ग्राफ जो बनता है वो वी शेप में ग्राफ बनता है। इस ग्राफ में हमने बताया था कि जिस समय आर्मेचर करंट की जो वैल्यू है वो न्यूनतम होती है, यहाँ पर वहाँ पर जो पावर फैक्टर है वो क्या होता है, इकाई होता है, इकाई पावर फैक्टर, और इससे लेफ्ट की तरफ हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर रहेगा और इससे राइट की जो तरफ है वो हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर रहेगा। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जैसे जैसे एक्साइटेशन करंट को हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पावर फैक्टर क्या हो रहा है, लीडिंग हो रहा है, और एक्साइटेशन करंट जैसे ही अपना कम था वैसे ही पावर फैक्टर इसका लैगिंग हो रहा था। अब क्वेश्चन इसमें देखो क्या है कि तुल्यकालिक मोटर में क्षेत्र उत्तेजना बढ़ाने से, माने एक्साइटेशन करंट को अगर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, पावर फैक्टर लीडिंग की तरफ आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना शक्ति गुणक में सुधार होगा। और अगर ये तुल्यकालिक मोटर में क्षेत्र उत्तेजना कम की जाए, माने एक्साइटेशन अगर घटाया जाए तो क्या होगा, तो फिर अपना आंसर आएगा शक्ति गुणक निम्न होता चल जाएगा, मीन्स लैगिंग कि इसका जो शक्ति गुणक है वो जाता चला जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, एक निम्न उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है? देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि तुल्यकालिक मोटर की क्षेत्र उत्तेजना बढ़ा दी है, क्षेत्र उत्तेजना बढ़ा दी मतलब ओवर एक्साइटेशन में आ गई वो, और अगर क्षेत्र उत्तेजना घटा देंगे तो उस समय में क्या होगी, वो निम्न उत्तेजित होगी, अंडर एक्साइटेशन स्थिति में होगी। तो यदि उत्तेजना बढ़ाने से माने ओवर एक्साइटेड करने से अगर पावर फैक्टर सुधरता था, पावर फैक्टर लीडिंग की तरफ जाता था, तो अंडर एक्साइटेड जब करेंगे तो पावर फैक्टर क्या होगा, निम्न तुल्यकालिक मोटर का पावर फैक्टर होता है। उसके बाद अपने को ऑप्शन दिए हुए हैं क्या, पश्चगामी होगा, अग्रगामी होगा या इकाई होगा, तो बताओ क्या होगा। जब अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होती है तो उस समय में पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग होता है, पश्चगामी होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तुल्यकालिक मोटर के संबंध में सही है, ये जो चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं इनमें से बताना है कि सिंक्रोनस मोटर के संबंध में कौन सा वाक्य सही है। देखते हैं चार ऑप्शन क्या क्या हैं। पहला है ए, यह स्वचालित होती है, मतलब ये सेल्फ स्टार्ट होती है, ये नहीं है, ये इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता क्योंकि सिंक्रोनस मोटर जो है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। सेल्फ स्टार्ट कौन सी होती है,
थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इसके बाद देखते हैं बी जो इसका ऑप्शन है वो है इसे केवल एसी की आवश्यकता होती है। ये भी गलत है क्योंकि अभी हमने बताया था कि इसकी जो मेन वाइंडिंग होती है उसको हमेशा एसी सप्लाई दी जाती है और एक्साइटेशन के लिए उत्तेजना के लिए इसको डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, उत्तेजना के लिए इसको डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है यह स्वचालित नहीं होती, यह ऑटो स्टार्ट नहीं होती, तो ये इसका राइट आंसर होगा सी कि तुल्यकालिक जो मोटरें होती हैं सिंक्रोनस जो मोटरें होती हैं वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है तुल्यकालिक मोटर के उत्तेजन परिवर्तन से परिवर्तित होने वाली राशियाँ हैं। सेम वही सिंक्रोनस जो मोटरें हैं इसमें अधिकतर जो क्वेश्चन हैं वो इसकी वी कर्व में से लिए गए हैं, अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं वो इसकी वी कर्व में से लिए जाते हैं। सिंक्रोनस मोटर आप अगर पढ़ रहे हो उसके अगर कंपटीशन एग्जाम की आपको तैयारी करनी है तो सिर्फ एक वी कर्व याद कर लेंगे। सिंक्रोनस मोटर में से अगर कोई क्वेश्चन उठाया जाता है तो 90% चांस होते हैं कि हमेशा उसकी वी कर्व में से ही उठाए जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन भी सेम आ गया, तुल्यकालिक मोटर के उत्तेजन परिवर्तन से परिवर्तित होने वाली राशियां हैं। अब इसमें फिर अपन एक बार फिर देखते हैं वी करो, इसका वी करो ये होता है, इसमें ये इसकी उत्तेजन धारा है और इस तरफ है इसकी आर्मेचर धारा। अब इन दोनों के बीच में देखो करो बन रहा है, जैसे जैसे उत्तेजन धारा का मान उत्तेजन करंट एक्साइटेशन करंट की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे आर्मेचर करंट घटता है। कब तक घटता है? जब तक कि पावर फैक्टर इसका इकाई नहीं हो जाता। उसके बाद फिर और ज़्यादा उत्तेजन धारा का मान बढ़ाते हैं तो इसका जो आर्मेचर करंट है वो दोबारा से बढ़ना स्टार्ट कर देता है और पहले ये बढ़ रहा था लैगिंग पावर फैक्टर में, अब ये बढ़ रहा है लीडिंग पावर फैक्टर में। तो यहाँ से हमने देखा कि जैसे जैसे एक्साइटेशन करंट की वैल्यू हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे आर्मेचर करंट पर भी प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि ये पहले घट रहा था फिर उसके बाद इकाई पावर फैक्टर हो गया फिर ये आर्मेचर करंट बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ दूसरी जो चीज़ है वो है पावर फैक्टर, उस पर भी फर्क पड़ रहा है कि पहले पावर फैक्टर लैगिंग था फिर पावर फैक्टर इकाई आया उसके बाद पावर फैक्टर लीडिंग की तरफ आ गया। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन अपना दिया हुआ है तुल्यकालिक मोटर के उत्तेजन परिवर्तन से मतलब एक्साइटेशन करंट में परिवर्तन से परिवर्तित होने वाली राशि है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, शक्ति गुणक भी प्रभावित हुआ, पावर फैक्टर भी प्रभावित हुआ और आर्मेचर धारा प्रभावित हुए, दोनों ही प्रभावित होते हैं। तो इसका आंसर सी आएगा कि शक्ति गुणक और आर्मेचर करंट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुल्यकालिक गति पर चलने वाली मोटर है, सिंक्रोनस गति पर चलने वाली मोटर, जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है सिंक्रोनस गति पे कौन सी मोटर चलेगी। देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं पिंजरा प्रारूपी मोटर, समकालिक मोटर या सर्पी वल्य। पिंजरा प्रारूपी मतलब स्क्रैल केज इंडक्शन मोटर, समकालिक मतलब सिंक्रोनस मोटर, सर्पी वल्य मतलब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो यहीं से साफ साफ हमें दिख रहा है कि सिंक्रोनस स्पीड पे हमेशा सिंक्रोनस मोटर ही चलती है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी समकालिक मोटर, इसका आंसर आ जाएगा बी समकालिक मोटर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 12 पोल 50 हर्ज सिंक्रोनस मोटर का पूर्ण भार व शून्य भार पर गति में अंतर कितना होगा। अब यहाँ पे देखो ये सिर्फ क्वेश्चन को उलझाने वाली बात है, व्यक्ति का माइंड चेक किया गया है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है। ये हमें पता है कि सिंक्रोनस जो मोटर होती है, हमें पता है सिंक्रोनस जो मोटर है उसकी हम नो लोड पर और फुल लोड पर दोनों की गति में कोई भी अंतर नहीं होता है, इसीलिए तो वो सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है मोटर। तो अगर चाहे 12 पोल हो चाहे 50 हर्ज की जगह 60 हर्ज फ्रिक्वेंसी हो चाहे किसी भी प्रकार की मोटर हो, अगर सिंक्रोनस मोटर हमें दी गई है तो हमें सीधा सा ध्यान रखना है कि उसकी शून्य लोड और फुल लोड पर गति में अंतर जीरो होगा हमेशा, क्योंकि शून्य लोड पर भी उसी स्पीड पर चलेगी क्योंकि हमें बताया हुआ है सिंक्रोनस जो मोटर है वो हमेशा कॉन्स्टेंट स्पीड पे चलती है चाहे नो लोड हो चाहे फुल लोड हो। तो हमेशा पूर्ण भार और शून्य भार पर गति में अंतर हमेशा क्या रहेगा, शून्य रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुल्यकालिक मोटर में हंटिंग कम करना व प्रारंभिक बल आघूर्ण को विकसित करना
यह कार्य कौन करता है। हमने बताया था कि अभी एक क्वेश्चन आया था पीछे कि सिंक्रोनस मोटर में स्पीड में वेरिएशन हो रहे हैं, लोड में वेरिएशन हो रहे हैं, तो उस समय में क्या होता है, हंटिंग दोष आ जाता है जी। और हंटिंग दोष को कम करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखो हिंदी में लिखा हुआ है डैम्पर वाइंडिंग का अर्थ अवमंदक कुंडली, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, अवमंदक कुंडली या डैम्पर वाइंडिंग। उत्तेजन धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इंटरपोल होते नहीं है सिंक्रोनस मोटर में, और ये हो नहीं सकता ऑप्शन, तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवमंदक कुंडली या डैम्पर वाइंडिंग। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 12 पोल 30 हर्ज अल्टरनेटर एक 50 हर्ज सिंक्रोनस मोटर के प्राइम मूवर के लिए कार्य कर रहा है या सीधे कपल्ड है। सिंक्रोनस मोटर में ध्रुवों की संख्या क्या होगी। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि एक अल्टरनेटर है, ये एक अल्टरनेटर हो गया, और इसके साथ सीधे कपल्ड है एक सिंक्रोनस मोटर। इस अल्टरनेटर को घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा देने के लिए सिंक्रोनस मोटर का हमने यूज़ किया है। अब इसमें बताया गया है कि जो अल्टरनेटर है उसमें 12 तो हैं जी पोल और 30 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ से हमें सबसे पहले क्या करना है, अल्टरनेटर की स्पीड निकालनी है। स्पीड जब निकालेंगे तो अल्टरनेटर की जो स्पीड, जितनी स्पीड पे अल्टरनेटर चलेगा उसको घुमा कौन रहा है, सिंक्रोनस मोटर। तो जितनी स्पीड अल्टरनेटर की आएगी उतनी स्पीड किसकी होगी, सिंक्रोनस मोटर की होगी। और सिंक्रोनस मोटर की स्पीड अपने पास आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, तो सिंक्रोनस मोटर के पोलों की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, किस तरह से, देखो सबसे पहले अल्टरनेटर के पोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। पोलों की संख्या जब ज्ञात करते हैं तो वही सूत्र है अपना, पी बराबर 120 एफ बटा यहाँ पे फिर ns हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं अपन 120 के साथ गुणा करेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है अल्टरनेटर की, 30 हर्ज गुणा 30, और भाग में क्या आ जाएगा इसकी, पोलों की संख्या, यहाँ पे पी है सॉरी, यहाँ ns है, स्पीड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पोलों की संख्या है 12। यहाँ से देखो 12 से 120 को काटेंगे सीधा 10 पे कट गया, और 30 को 10 से जब अपन गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 300 rpm, क्या आ जाएगा 300 rpm। अब 300 rpm अपने पास अल्टरनेटर की स्पीड आ गई, तो जाहिर सी बात है अगर अल्टरनेटर को प्राइम मूवर के लिए सिंक्रोनस मोटर प्रयोग की गई है तो 300 rpm ही सिंक्रोनस मोटर की स्पीड होगी। और यदि 300 rpm सिंक्रोनस मोटर की स्पीड है, 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो उसी सूत्र से पोलों की संख्या जब ज्ञात करेंगे तो पी इज इक्वल टू 120 गुणा एफ माने फ्रीक्वेंसी और बटा ns माने सिंक्रोनस स्पीड। अब यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी है कितनी, 50 हर्ट्ज, ns अपने पास कितनी आई थी 300, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा अपना, 20 पोल, आंसर क्या आएगा 20 पोल होंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह के ही क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आते हैं। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अति उत्तेजित तुल्यकाली मोटर है, जब सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड होती है, हमने बताया था जब सिंक्रोनस मोटर अंडर एक्साइटेड रहेगी उस समय में लैगिंग पावर फैक्टर पे चलेगी, जब आर्मेचर करंट की वैल्यू न्यूनतम रहेगी, लोवेस्ट रहेगी, उस समय में मोटर यूनिटी पावर फैक्टर पे चलेगी, और जब सिंक्रोनस मोटर को अति उत्तेजित किया जाता है, एक्साइटेशन करंट को बहुत अधिक बढ़ाया जाएगा, तो उस समय में क्या होगी, मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पे चलेगी। और जब मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पे चलती है तो उसका प्रयोग करते हैं किस लिए, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के रूप में। और जब पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के रूप में सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, साधारण तुल्यकाली मोटर, ऑटो तुल्यकालिक मोटर, सिंक्रोनस कंडेंसर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आएगा, सिंक्रोनस कंडेंसर, क्योंकि इस समय जब इसकी अति उत्तेजित तुल्यकाली मोटर है, जब सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड है, उस समय में हमेशा ये किस पावर फैक्टर पे काम करती है, लीडिंग पावर फैक्टर पे। और लीडिंग पावर फैक्टर पे जब मोटर चलती है तो ये पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के रूप में यूज होती है, और उस समय में इसको क्या कहते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर, उस समय में इसको कहते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट किया जा सकता है। अभी स्टार्टिंग में ही अपना क्वेश्चन आया था कि सिंक्रोनस जो मोटरें होती हैं वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं, जबकि थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती हैं। अब सिंक्रोनस मोटर जब सेल्फ स्टार्ट नहीं होती तो इनको स्टार्ट किससे किया जाएगा? अब इसके बाद देखते हैं ऑप्शन अपने दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है पोनी मोटर द्वारा। पोनी मोटर क्या क्या मतलब है? ऐसी मोटर जिसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कुछ ज़्यादा हो, कोई भी हो सकती है वो, चाहे इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, कोई किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, वो सब पोनी मोटर हैं। तो ए ऑप्शन है पोनी मोटर के द्वारा, बी ऑप्शन है डीसी मोटर के द्वारा, सी ऑप्शन है डैम्पर वाइंडिंग से, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी से। तो इसका आंसर क्या आएगा कि भाई सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करना है अपने को, सिर्फ उसको सिंक्रोनस स्पीड पे घुमाना है, चाहे किसी चीज़ से भी घुमाओ। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया हुआ है चित्र में एक्स किसको प्रदर्शित करता है। हमने बताई थी सिंक्रोनस मोटर में दो प्रकार की करव बनती हैं, एक होती है वी करव, दूसरी होती है एन टी वी। वी करव जो बनती है वो हमेशा बनती है उत्तेजन धारा और आर्मेचर धारा के बीच में, और एन टी वी जो होती है वो हमेशा बनती है किसके बीच में? उत्तेजन धारा और पावर फैक्टर के बीच में। किसके बीच में? पावर फैक्टर के बीच में। तो यहाँ पे हमें उत्तेजन धारा तो दिया हुआ है, चित्र में एक्स किसको प्रदर्शित करता है, यहाँ किसकी वैल्यू होगी? तो यहाँ किसकी वैल्यू होगी? पावर फैक्टर की। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन देखते हैं आर्मेचर धारा, शक्ति गुणांक या दोनों। तो यहाँ पे जो एक्स है वो किसको डिनोट कर रहा है? शक्ति गुणांक को, पावर फैक्टर को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सिंक्रोनस मोटर का स्टैंडर्ड फुल लोड पावर फैक्टर होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है। कि जैसे हमने पढ़ा था कि एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटरें जो होती हैं उनका पावर फैक्टर होता है जी कितना? 0.6 लैगिंग। ठीक है, एक जो थ्री फेस इंडक्शन मोटरें होती हैं उनका पावर फैक्टर होता है जी 0.8 लैगिंग। लेकिन यहाँ पे सिंक्रोनस जो मोटरें हैं इनका पावर फैक्टर कितना होगा? देखो ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है अपना एक माने यूनिटी, बी ऑप्शन है एक या 0.8 लैगिंग। ये स्टैंडर्ड फुल लोड पावर फैक्टर की बात है, सिंक्रोनस मोटर का स्टैंडर्ड फुल लोड पावर फैक्टर की बात है। तो उस समय में इसका आंसर क्या आएगा? सी आंसर इसका आएगा, या तो यूनिटी होगा या 0.8 लीडिंग होगा। तो जो एक सिंक्रोनस मोटर होती है उसका स्टैंडर्ड फुल लोड पावर फैक्टर हमेशा एक होता है, माने इकाई होता है, या 0.8 लीडिंग होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया हुआ है, अभी जो क्वेश्चन आया था वो एन टी वी करव से आया था, और अब अपने पास ये आ गया है वी करव से। अभी हमने बताया कि एन टी वी जो करव होती है उसमें जो वी एन टी वी जो करव होती है उसमें किस किस का संबंध होता है? उत्तेजन धारा और पावर फैक्टर का। लेकिन यहाँ पे वी करव दिखाया गया है, तो वी करव में हमें पता है किस किस का संबंध होता है? उत्तेजन धारा और आर्मेचर धारा। तो एक्स की जगह एक्स किसको प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे? आर्मेचर धारा को। तो इसका आंसर आएगा ए, आर्मेचर धारा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया गया है तुल्यकाली मोटर में आर्मेचर धारा होती है। ये क्वेश्चन कई बार करवाया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तुल्यकाली मोटर में आर्मेचर धारा, हमने बताया था कि सप्लाई वोल्टेज और बैक ईएमएफ का वेक्टर अंतर होता है, वेक्टर अंतर होता है, ना कि गणितीय अंतर होता है। और सप्लाई वोल्टेज अपनी क्या है? वी, और बैक ईएमएफ क्या है? ईबी। इन दोनों का जो वेक्टर अंतर है वो क्या है? वी माइनस ईबी। और भाई जेडएस यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि जेडएस इसका इम्पीडेंस है, और आई जो होता है करंट की जो वैल्यू होती है, ओम के नियम से हमने क्या पढ़ी थी? वी बाई आर, मतलब वोल्टेज बटा रुकावट। अब यहाँ की जो टोटल वोल्टेज है वो इन दोनों का वेक्टर अंतर हो गया, और यहाँ की जो टोटल रुकावट है आर की जो जगह क्या आया है यहाँ पे? इम्पीडेंस। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा? बी, तुल्यकाली मोटर में आर्मेचर धारा जो है वो वी वेक्टर माइनस ई बी वेक्टर बटा जेड एस होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए
आर्मेचर धारा का अधिकतम मान कहाँ पर होता है? वही फिर दोबारा से वही क्वेश्चन घूम घूम के आ रहे हैं। सारे ही जो क्वेश्चन हैं वो वी कर्व के ऊपर हैं। अब वी कर्व में हमने बताया था कि यहाँ पे तो होती है जी उत्तेजन धारा, यहाँ पे तो क्या है उत्तेजन धारा, और यहाँ पे होती है जी आर्मेचर धारा। अब यहाँ पे इस वक्र में हमें ये देखना है कि जो आर्मेचर करंट है, आर्मेचर जो धारा है, उसकी अधिकतम मान कहाँ कहाँ पे था। तो यहाँ पे हमने बताया था कि वी कर्व जो होती है उसमें आर्मेचर करंट की वैल्यू जब न्यूनतम होगी उस समय में पावर फैक्टर क्या रहेगा, इकाई रहेगा। और इससे लेफ्ट साइड में हमेशा पावर फैक्टर कैसा रहता है, लैगिंग, और इससे राइट साइड में हमेशा पावर फैक्टर होता है जी लीडिंग। अब यहाँ पे हमें सिर्फ ये बताना है कि जो वी कर्व होती है उसमें आर्मेचर धारा का अधिकतम मान कहाँ कहाँ पे था। तो हमें पता है जी इस रीजन में हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर है, इस रीजन में हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर है, और आर्मेचर करंट की जो वैल्यू है कहाँ कहाँ पे अधिक थी, एक तो इस वाले पॉइंट पे अधिक है, एक दूसरा इस वाले पॉइंट पे अधिक है। और इन दोनों में ही हमने बताया है कि इस साइड में जब अधिक थी जब लैगिंग पावर फैक्टर था, इस साइड में अधिक कब थी जब लीडिंग पावर फैक्टर था। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा। देखो ऑप्शन दिए हुए हैं लीडिंग पावर फैक्टर पर, पहला ऑप्शन है लीडिंग पावर फैक्टर पर, तो आर्मेचर धारा लीडिंग पे भी अधिक होती है जी, और दूसरा है लैगिंग पावर फैक्टर पर, इस पे भी अधिक होती है, न्यूनतम कब होती है जब इकाई पावर फैक्टर होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी, दोनों, माने आर्मेचर करंट की जो वैल्यू है वो लीडिंग पावर फैक्टर पे भी अधिक रहेगी और लैगिंग पावर फैक्टर पे भी अधिक रहेगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, तुल्यकालिक मोटर की संरचना खालिस्तान की भांति होती है। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन आ गया सबसे लास्ट में, पाठ को जब स्टार्ट करते हैं उसी समय हमने बताया था कि जिस तरह से डीसी मोटर और डीसी जनरेटर इन दोनों की संरचना सेम टू सेम होती है जी। एक साइड से अगर हमने डीसी सप्लाई दे दी तो मोटर का काम करेगी, और अगर यांत्रिक ऊर्जा दे दी तो जनरेटर का काम करेगी। सेम उसी प्रकार से सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर की जो संरचना है वो भी सेम टू सेम होती है। अल्टरनेटर में भी एक्साइटेशन करंट होता है और सप्लाई थ्री फेज प्राप्त होती है। यहाँ पे भी सिंक्रोनस मोटर में भी अपन क्या करते हैं, एक्साइटेशन करंट देते हैं और थ्री फेज सप्लाई दी जाती है। तो सिंक्रोनस मोटर की जो संरचना है वो किसकी तरह से होती है, अल्टरनेटर की तरह से होती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि इससे और अच्छी से अच्छी वीडियो हम आपके लिए बनाएं और आपकी नॉलेज का इम्प्रूवमेंट करें। थैंक यू।